चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 10B की समकालीन भारत सेकंड के नाम से जो आपकी बुक्स है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये आपकी भूगोल की कक्षा 10B की बुक्स है। इसमें अभी तक आपके 6 चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर है 7वां। आज बात करेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं देखेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप सिविल सर्विस या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो समय रहते हुए इन सभी एनसीईआरटी को पढ़ लें अच्छे से। एक से दो बार कम से कम पढ़ना ही आपको, अगर टाइम मिलता है आपके पास है तो 3 से 4 बार भी पढ़ सकते हैं। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। और आप सभी को कौन कौन सी बुक्स जरूरी हैं वो सभी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। कई लोगों को क्या रहता है कि भ्रम रहता है कि कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, तो इसलिए पूरी डाल दी गई वहां क्लियर के लिए। ठीक है, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे पास आसपास उपलब्ध होती है जबकि कुछ अन्य चीजों की जरूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल तक स्थल पर अपने आप नहीं पहुंचती है। वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पाद के को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उसे हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। आपने देखा होगा कि आप साबुन खरीदने जाते हैं दुकान से, आप घड़ी यानी कि शक्कर भी खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं आप लोग, चाय पत्ती, इस तरह के जो भी मटेरियल हो। देखिए, इसे ये बनता कहीं और है लेकिन आप तक कोई लेकर और कोई आता है तो बीच में आपके बिचौलिया कह देते हैं आप लोग, या फिर कह देते हैं आप लोग व्यापारी कह देते हैं इन लोगों को जो बीच का काम करते हैं आप तक पहुंचाने का। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है, स्थल, जल और वायु। आप जानते हैं ना, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल फिर वायु परिवहन में वर्गीकृत कर दिया जाता है। परिवहन के साधनों की अगर हम बात करें तो स्थल, इसमें आप पाएंगे सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन, पाइपलाइन, समझ रहे हैं। पाइपलाइन का मतलब वो है कि आप देखते हैं कि तेल एक देश से दूसरे देश तक या फिर गैस को इससे पाइपलाइन से पहुंचाया जाता है। जल की बात करें तो आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। वायु की बात करें तो घरेलू विमान सेवाएं, सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी विमान सेवाएं भी है और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं भी आपकी होती रहती हैं। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है, यानी कि अब एक जगह से दूसरी जगह जाने आ जाने ले जाने में आसानी है। तो आप सोचिए कि एक समय अमेरिका से हम लोग व्यापार करना बहुत मुश्किल हुआ होगा, अब आप सोचिए हवाई जहाजों के द्वारा या फिर आप देखते हैं जल मार्ग द्वारा भी वहां पहुंचा जा सकता है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवर्तन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है, इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक है। एक समय आप लोग देखा करते थे कि आपको अगर 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था तो बहुत टाइम लगता था, और अब इस दूरी को आप लोग 1 घंटे में आराम से पार कर देते हैं। तो आज हमें ऐसे लगने लगा है कि पूरा विश्व एक गांव की तरफ बन चुका है कि जब मन है तब घूम के आ सकते हैं आप। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरबीन, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक भी हैं। स्थानिक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसमें हमारे जीवन को समृद्ध किया है और आरामदायक जीवन के लिए सुविधाएं भी
और साधनों में भी बढ़ोतरी की। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। परिवहन ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले बात करते हैं स्थल परिवहन। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग आपकी 54.7 लाख किलोमीटर है। कितना? 54.7 लाख किलोमीटर। इसके लिए जो करंट आंकड़े आते हैं उनसे भी आप लोग जुड़े रहिए करंट से। इसलिए तो आपसे कहा जाता है कि एक न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते रहिए कम से कम। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से। रेल लाइनों लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व बिचन भू भागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं, लेकिन आप देखते हैं रेल भी इस तरह से नहीं बनाई जा सकती है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रेलों को आप सड़कों को देखते हैं कि किस तरह से ऊंचाई पर भी बनाते हुए चले जाते हैं, लेकिन रेल को देखते हैं आप लोग कि एक पूरी समतल जमीन बनानी पड़ती है, उसके बाद ही उसका निर्माण किया जाता है। रेलवे लाइनों का अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मिद व्यय है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़क, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पथों को जोड़ती है। अब आप सोचिए कि आपको कोई डिलीवरी करना है, यानी कि गांव गांव पहुंचाना है, तो हर गांव तक आप रेलवे या फिर वायु मार्ग के द्वारा नहीं भेज सकते। इसके लिए सड़कें ही बेहतर मार्ग रहती हैं। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र देखें तो इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। पहले आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महा राजमार्ग की सड़क परियोजना प्रारंभ किया। याद रखिए, इसे आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि ये कई बार पूछ लेता है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ता है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन 4 शहरों को जोड़ता है चतुर्भुज, इसीलिए कहते हैं ना। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम आपका उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और द्वितीय जो आपका पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम से लेकर पोरबंदर यानी कि गुजरात को जोड़ता है। महामार्ग महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत की मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। याद रखिए, इसे भी याद रखना है। किसके अंतर्गत है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। फिर आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाहसूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। यह आपका बहुत पुराना मार्ग है। दिल्ली व अमृतसर के मध्य जो फैला हुआ है, यह आपका NH1 है, अहमदाबाद बड़ोदरा द्रुत मार्ग। फिर आपके राज्य राजमार्ग। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD का होता है। फिर आपके आते हैं जिला मार्ग। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। किसका? जिला परिषद का होता है। अब यहाँ आपको मैप्स दिख रहा होगा, ये आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज है। कहाँ? देखिए, अहमदाबाद, सूरत, ये आपकी घूमते हुए यहाँ तक चेन्नई, उसके बाद आप देखते हैं कि कोलकाता, उसके बाद ये दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद उत्तर दक्षिण गलियारा देखेंगे। उत्तर दक्षिण गलियारा ये कन्याकुमारी से लेकर उत्तर दक्षिण गलियारा आपका यहाँ ये जाता है श्रीनगर तक। ठीक है,
पश्चिम गलियारा, ये आप देख रहे होंगे, पोरबंदर से ये आप जा रहा है सिलचर तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5। ये आपकी एक हो गई, 15, 15। ठीक है, बाकी देख लेना ये इसमें आगे। पता है हम लोगों ने बात की अभी आपके पूरी तरह से इनके बारे में कि कौन कहाँ तक, ये आप देख रहा होगा, यही आपका है जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5, ये आपका दिख रहा है 5। ठीक, तो इन्हें अच्छे से आप लोग आपके जीएस में, अभी हमने जो किरण सामान्य ज्ञान की बुक्स खत्म की हुई है उसमें आपका बताया गया है विस्तार से कि कौन सा कहाँ तक जाता है, फर्स्ट कहाँ तक जाता है, सेकंड कहाँ तक जाता है, तो उसमें भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अन्य सड़कों की बात करें तो इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांव को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सड़क परियोजना, इसके तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इन परियोजनाओं के कुछ प्रमुख विशेष प्रावधान हैं जिनमें देश के प्रत्येक गांव को प्रत्येक शहर से पक्की सड़कें, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकें द्वारा जोड़ना होता है। सीमांत सड़कें, उपयुक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्र में अभिगम्यता बढ़ी है, ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक है। अब देखिए पहाड़ी रास्ते, सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा बनाई जाती हैं, ये 12 मासी सड़कें होती हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी होती हैं। अब समझ सकिए कि किस तरह से बनाया गया है, देखिए कितना मुश्किल हुआ होगा इतना ध्यान। ये आपका उत्तरी पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्था की गई है। इसमें क्या होता है कि पता है आपको, भारत सरकार के द्वारा प्राधिकरण जो बनाया गया है, ये आपका, आप सोचिए कि जहां हमारी सामरिक स्थिति, यानी कि आप सोचिए चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, फिर चाहे आपका नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी हो, तो इस तरह की सड़कें वहां बनाई जाती हैं। और ये आपकी जो भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा संगठन है वही बनाने का काम करता है। रेल परिवहन की बात करें तो भारत में रेल परिवहन और वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक सामान सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए भी उत्तरदायी है। इस तरह के पॉइंट जो हुआ करें उन्हें भी याद रखनी चाहिए। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेल 1953 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी। आपकी 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, याद रखना 1953। भारतीय रेल परिवहन को 16 नहीं, आपके 18 प्रखंडों यानी कि जोनों में विभाजित किया गया है। करंट में बात कर रहा हूँ 2020 की, ठीक है, याद रखना। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति, आर्थिक आर्थिक प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व पिछड़े संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि भी असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों व पुलों के निर्माण में भी कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालयी पर्वत क्षेत्र भी दुर्लभ उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भागों में भी, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है, लेकिन अब हर जगह लगभग पहुंच चुकी है। सह्याद्री और से
सन्निध्य क्षेत्र को भी घाट या फिर दर्रों के द्वारा ही पार करना पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्रा वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं थी, जैसे भूस्खलन और तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धसना आदि इस तरह की समस्याएं देखी जाती थी। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है, क्योंकि ये सस्ता भी है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने से कैसी मदद कर सकते हैं? आप सोचिए कि हम लोग प्राइवेट को दे देते हैं, प्राइवेट हाथों में दे देते हैं किसी चीज को, तो बेहतर सुविधा मिलने लगती है। क्यों मिलने लगती है? क्योंकि उनका एक अच्छे से आय होती है। आय होगी तभी तो आप सोचिए कि हर तरह से मरम्मत की जा सकती है उनकी। और एक प्राइवेट के हाथों में रहती है तो जिम्मेदारियां रहती है उसकी, कि समय पर पहुंचनी चाहिए, वरना ऐसा हो जाएगा, वरना मुआवजा देना पड़ेगा, इस तरह की सुविधाएं हो जाती है। तो इससे भी क्या होता है कि उन्हें भी थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। और आप सोचिए कि एक जिम्मेदारी हो किसी पर तो वो बेहतर काम करता है उसको। अब बिना जिम्मेदारी की छोड़ दीजिए कि चलते रहिए चलते रहिए, मालूम चला कि आज ट्रेन में बैठे 2 दिन बाद पहुंच रहे हैं हम लोग, रास्ता है 10 घंटे का, लग रहा है 50 घंटे। तो इस तरह की समस्याएं भी देखी जाती हैं। बड़ी लाइन गेज मीटर में रूट हो गया वाहन, ये बदलते रहते हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए इन्हें। जब भी आप लोग पेपर देने जा रहे हो उस समय आप लोग करंट से जोड़कर देख लिया करिए। बड़ी लाइन आपकी 1,676 मीटर, मीटर लाइन की बात करें तो 1 मीटर, छोटी लाइन आपकी 0,762 गेज मीटर में आपकी रहती है। ठीक है, पाइपलाइन। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्यमों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राकृतिक गैस तथा गैस क्षेत्र उपलब्ध गैस शोधन शालाओं और वह कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधन शालाएं जैसे बरौनी, मथुरा हो गया, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। आप सोचिए, एक बार पाइपलाइन डाल देते हैं, उसके बाद हजारों साल के लिए हम लोग फुर्सत हो जाते हैं, समझ रहे हैं? तो फिर उसके बाद खर्च ना के बराबर होता है। वाहनांतरण देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें ट्रैफिक का कोई मामला ही नहीं रहता है। बरसात हो, मौसम कैसा भी हो, ये अपना काम करता रहते हैं। देश में पाइपलाइन परिवहन के तीन प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक विस्तृत है। फिर गुजरात में सलाया से बीरमगांव, मथुरा दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जलंधर तक। इसकी अन्य शाखाएं बड़ोदरा के निकट कोयली, कुछ चक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है, या मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर भी फैली हुई है। ये आप देख रहे होंगे क्या है, रेल मार्ग है जम्मू कश्मीर। बाकी देखते रहिए, आप लगभग आपकी हर जगह में पहुंच गई है। आप कैसा, कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी राज्य जहां ना पहुंची हो। पहले आप देखते थे कि सिक्किम में देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब आपकी हर जगह देखें, कन्याकुमारी से लेकर ऊपर आप देखते हैं जम्मू कश्मीर तक, सब जगह फैली हुई है। ठीक है, यहाँ गुजरात से देख सकते हैं लारी आप, बाकी यहाँ तक देख सकते हैं दनगोरी यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, जल परिवहन की बात करें हम लोग, तो भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। याद रखिए, जल परिवहन आज की बात नहीं है, ये प्राचीन भारत यानी कि आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के
आसपास से ही आपको विदेशियों से व्यापार करने के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। इसके लिए इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। याद रखिए, सबसे रेलवे से भी ये सस्ता है। यह भारी व स्थूल का वस्तुओं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतरस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। ये उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर पूर्वी राज्यों में देखिए, गाड़ी भी रख लेते हैं इसी में ये लोग। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, इसे आपका नौगम जलमार्ग संख्या 1 दिया गया नाम। सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है, इसे नौगम जलमार्ग संख्या 2 कहा गया है। केरल में पश्चिमी तटीय नगर कुट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहर जो 205 किलोमीटर है, ये नौगम जलमार्ग संख्या 3 कहा गया है। काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार, ये आपका 1,078 किलोमीटर है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग आपका 4 के नाम से जाना जाता है। इसी मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल और ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्रह्मणी नदी की विशेष विस्तार है, ये 588 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 कहा जाता है इसे। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, ज्वारी, कंबरजुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्चिम जल शामिल है। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में आपका 68% समुद्र द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रमुख समुद्री पतन। भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख और 200 मध्यम व छोटे पतन हैं। ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार यहीं से संचालित होता है। और याद रखना, इसकी हमारे भारत की समुद्री तटरेखा कितनी है, 7,516.6, यानी कि 7,516.6 किलोमीटर। स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कंडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता 1947 के बाद जो कांडला पतन था ये विकसित किया गया था। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला जिसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जानते हैं आप लोग, यह एक ज्वारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को भी संचालित करता है। मुंबई बेहतम पतन, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताशय है। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखते हुए इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया, जो इससे इस पूरे क्षेत्र को एक समूह मुंबई में पत्तन में जहाज पर्यटक को ले जाते हुए, समझ रहे हैं, ट्रैक पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लोह अयस्क के निर्यात में के संदर्भ में मारमागाव पतन देश का सबसे महत्वपूर्ण पतन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा यानी कि 50% लोह अयस्क निर्यात किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है। कर्नाटक में स्थित आपका न्यू मैंगलोर पतन कुद्देमुख खानों से निकले लोहे अयस्क का निर्यात यानी कि बाहर भेजने का काम होता है यहाँ से। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोचीन पतन है, या एक लैंगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। नी मैंगलोर पतन पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्वहन दिख रहा है आपको। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पतन है, यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय
क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम किंतिम पतन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पतन है। प्रारंभ में यह पतन लौह अयस्क के निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। उड़ीसा में स्थित पारादीप पतन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अत्यंत अंतता स्थलीय नदीय पतन है। यह पतन आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बेहद व समृद्ध पृष्ठभूमि की सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा हुगली के तल छट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। कोलकाता पतन के व्यापार के को कम करने के लिए उस पर कम भार पड़े, इसलिए मतलब वहां व्यस्त ना रहे, इसलिए इसे विकल्प के रूप में विकसित किया गया। बड़े आकार के कार्गो को उठाने रखने की सुविधा से युक्त तूतीकोरिन पतन है। ये लगे देखिए हो दिख रहे हो ना आपको, यानी कि सभी सुविधाएं यहां भी उपलब्ध हो गई। वायु परिवहन की अगर हम बात करें तो आज वायु परिवहन तीव्रतम आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत हो गए, मरुस्थलों, घने जंगलों, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अधिगम बना दिया है। आप सोचिए कि जहां जाने की सुविधा ना हो, जहां आप सोचिए कि सड़कें बनने लायक ना हो, वहां भी आप हवाई जहाज के द्वारा पहुंच सकते हैं। एक समय आप सोचिए कि आप यहाँ से बॉर्डर पर सेना को भेजना बहुत कठिन होता था, क्योंकि आप देखते थे वहां ना तो सड़क की सुविधा थी, लेकिन अब आप देखते हैं कि वहां भी पता आपके हवाई अड्डे बना दिए गए हैं कि वहां भी जाकर कुछ ही पलों में आपकी सेना पहुंच जाती है। ठीक है, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि सभी के लिए खोल दिए गए। इसके द्वारा एयर इंडिया घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाओं भी प्रदान करती है। एयर इंडिया पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भू भागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में भी हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसे देख लीजिए आप लोग, ये आपके समुद्री पतन है, ये जवाहरलाल नेहरू, विशाखापट्टनम, हल्दिया, कोलकाता, कांडला, ये आपके क्या है, समुद्री पतन, मार्मागाव, न्यू मंगलोर, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोची, तूतीकोरिन, ठीक। और जी आप ये आपके हवाई पतन है, थिरुवनंतपुरम। फिर आप चाहे यहाँ आप लोग हैदराबाद को ले लीजिए, छत्रपति शिवाजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में, दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है, अमृतसर में राजा सांसी, ठीक है। ये सभी आपकी मुख्य पतन हो गए, और समुद्री पतन हो गया, हवाई पतन यानी कि हवाई अड्डे। एयर इंडिया से जुड़े देश के नाम बताएं तो अगर हमारे हमारी यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक खोल उपलब्ध कराने हेतु तो विशेष प्रबंधन किए गए। याद रखिए अभी हाल अभी आपने देखा होगा एक योजना चली हुई थी, उड़े भारतीय, हर भारतीय, समझ रहे हैं, तो उसके तहत आप हर कोई उड़ सकता है। सस्ता किराया भी कर दिया गया है, लेकिन आप सोचिए कितना भी सस्ता कर दिया जाए, लेकिन हर व्यक्ति उड़ने की केवल उनकी किराया की बस की वहन करना बस की बात नहीं है, समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत गरीब है। आपको लगता होगा ऊपर से देखने में, लेकिन अभी आप समझिए कि एक ऐसे समूह भी रहते हैं हमारे यहाँ, ऐसी एक बड़ी जनसंख्या है जिन्हें खाने के लिए दो वक्त की रोटी के लिए भी लाले पड़े रहते। आप समझिए कि बहुत बुरी स्थिति है। आपको लगता है कि आप हम ठीक स्थिति में, और आपके जो आंकड़े आते हैं गरीबी के और अमीरी के,
ये भी बड़े दिलचस्प चौंकाने वाले। आप सोचिए, आपके यहाँ उन लोगों को गरीबी की रेखा में रखा जाता है जो जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, और अमेरिका बाकी देशों में देखिए, वहां उन लोगों को गरीबी रेखा में रखा जाता है जिनके पास कार घूमने के लिए नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ना। और आप सोचिए कि 1,000 रुपये अगर आपके एक शहरों में 1,000 रुपये महीने की खर्च अगर जो करने आए योग है उसे गरीबी की रेखा से बाहर कर दिया जाता है, और आप सोचिए गांव में 1 माह 700 रुपये अगर इतना मान लिया जाए, तो सोचिए दिन का खर्च, आप शहर में रहते हैं तो कम से कम मुझे लगता है 200 से 300 रुपये आपका मिनिमम खर्च होता है। कितना हो गया? 200 से 300 रुपये, और सरकार ने जो आंकड़े निकाले हैं वो आपके 1,000 रुपये पर निकालते हैं। तो ये बहुत बड़ी असमानता है। आपको लगता है कि आपका देश अमीर है या फिर इतनी गरीबी जनसंख्या है, उस आंकड़ों को देखिए कि उन वे आंकड़े किस तरह से बनाए जाते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। संचार सेवाएं, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है यानी कि उसका आना हुआ धरती पर, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले की गति विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूर संचार तथा जन संचार ने में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, प्रेस, सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित भी करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायु यान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में आपका रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार, मैगजीन शामिल है। धरातली डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं, और इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए आपके। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर एक आपातकालीन कॉल बॉक्स भी डला हुआ है। एक समय सोचिए आप लोग कि किस तरह से व्यक्ति संपर्क करता होगा, अगर विदेश में रह रहा है आपका कोई जानने पहचानने वाला, तो आप एक पत्र लिखते होंगे, 2-7, 2-4, 10 दिन के बाद वो पत्र पहुंच रहा है, उसके बाद 2-4 दिन के बाद वहां से पत्र आ रहा है। आज आप देखिए कि आप लोग एक पल नहीं लगता है, 1 मिनट में फोन आप बात पूछ लेते हैं, क्या हाल है, कब आ रहे हो, क्या कर रहे हो। अब तो मैंने सुना है कि पता है ऑनलाइन मतलब चैटिंग चैटिंग में इस तरह से कांटेक्ट होने लगे हैं कि आप अगर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो आपको दक्षिण भारत के यानी कि तमिलनाडु में जाकर किसी से प्यार हो जाता है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, या फिर आप जम्मू कश्मीर या फिर आप बिहार के किसी गांव से रह रहे हैं, और मैंने सुना है किसी अमेरिकी लड़की से प्यार हो गया, उसे लड़की को समझिए आप लोग, उस लड़की ने दोनों ने शादी भी की। तो अब बड़ा मतलब चलन हो गया, हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं इस मामले में, आप सोचिए, समझ रहे हैं। दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के दो तिहाई से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंधन किए। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया है। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। एक कहानी बताता हूं मैं, ये हमारी जिंदगी की बड़ी दिलचस्प कहानी है कि मैंने जब कॉल किया एक बार आज से, वही मैं बात कर सकता हूं आपका, 2006 2005 के करीब की बात है। तो मेरे पिताजी बाहर रहते थे और वहां उनके पास फोन था और हम लोग गांव में रहते थे। तो क्या हुआ कि उसके बाद कभी नहीं हो जाता है गांव वालों को, ज्यादा सपने आते हैं, खराब खराब सपने आ जाते हैं कि ये हो गया, तबीयत खराब हो गई, ये हो गई। तो मेरी मम्मी बड़ी मतलब रोने वाने की विचार करने लगती है, नहीं समझते हैं, थोड़ी मतलब बड़ी भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्ति है, जल्दी बह जाती है भावनाओं में, समझ रहे हैं। तो वो सुबह से बोलने लगी, चले जाइए बात करें, पापा से बात करिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पता है मैं जाता हूँ मतलब हमारे यहाँ से 2 से 4 किलोमीटर दूर
एक गांव मतलब थोड़ा सा है ठीक ठाक, मतलब वहां सुविधा थी। तो उस समय 5-7 रुपये एसटीडी का कॉल लिया करता था वो आदमी। तो हम 3 मिनट मतलब 3 से 4 मिनट बात किए, और समझिए आप लोग उस समय गेहूं या कुछ लेके हम लोग जाते थे बात करने के लिए भी, समझ रहे हैं। तो मतलब ये 2004 की शायद बात है। तो आप सोचिए कि गेहूं उस समय आपका वही 6-7 रुपये किलो, 6 रुपये किलो शायद बिकता था, और कम बिकता था इतना ही। तो आप समझिए कि अगर 5 किलो गेहूं ले जाए तब जाकर 2-4 मिनट बात हो पाती थी। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक फोन आया, आपने देखा होगा, नोकिया का आता था, बहुत पुराना सेट, जिसे कितनी बार ही फोड़ दीजिए गिरा दीजिए उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता था। पर वो फोन आया, सबसे पहले फोन, समझ रहे हैं। तो मतलब बड़ी यादें पुरानी जुड़ी रहती हैं, इस तरह की बातें भूलते भी नहीं हैं, समझ रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ वो फोन पड़ा हुआ है हमारे पास, बहुत पुरानी बातें बहुत कुछ याद दिलाती हैं, समझ रहे हैं। चलिए आपकी भी कुछ कहानी हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं नीचे। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजन, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र, सामरिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामरिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की होती हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ यही भाषा कुछ ज्यादा ही लोगों के द्वारा यूज की जाती है, बोली जाती है। इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र भी हमारे यहाँ आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर्स फिल्म, छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने की अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। पर आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार राज्यों व देश में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसकी इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा भी हो सकता है। यह भी स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गाँव में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार 2 या अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है और इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। आप सोचिए कि अगर आपका निर्यात ज्यादा है और आयात कम है तो आपकी ठीक स्थिति है, यानी कि आप दूसरे को बेच ज्यादा रहे हैं, खरीद कम रहे हैं। लेकिन आपका जब आयात ज्यादा हो जाता है यानी कि दूसरे देश से हम लोग ज्यादा खरीदते हैं, बेचते कम है, तो ये संतुलन व्यापार संतुलन घाटा कहलाने लगता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक है तो उसे हम लोग अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। अगर इसके विपरीत है तो निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलन असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में रत्न हो गया, जवाहरात हो गया, रसायन एवं संबंधित उत्पाद एवं कृषि एवं संबंधित उत्पाद है। भारत में आयात वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम उत्पाद और रत्न व जवाहरात आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल है। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में पर्यटन भी काफी आप देखते हैं कि चर्चा में रहता है। पर्यटन से भी हमारे देश में अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान मिलता है, कई लोग इससे रोजगार भी मिलते हैं। अब सोचिए आप कहीं, मान लीजिए आगरा,
ठीक है, आगरा में घूमने के लिए लोग आते हैं तो वहाँ होटलों का भी काम चलेगा, क्योंकि खाना तो खाएंगे वहां, रुकेंगे तो आप देखते हैं कि रेस्टोरेंट होंगे या फिर रहने की जो भी होटल होंगे उनका भी काम, वहां जो व्यक्ति काम कर रहे होंगे उनका भी रोजगार उससे चलता है। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा देता है, मैं अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्योगों को भी पैसे देता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें संस्कृति व विरासत की समझ विकसित करने में भी सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया, बुलंद होती जा रही मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र, इंडिया रैंक्ड वर्ल्ड 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन, 4th नंबर पर भारत। तो चलिए, इससे आपके क्वेश्चंस दिए गए इसी अध्याय से संबंधित, और याद रखिए आपकी पीडीएफ सभी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, और इस बुक्स को मिलाकर आपकी कक्षा 10 की 2 बुक्स हमने कंप्लीट कर ली है। पहली बुक्स थी आपकी लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, और ये है आपकी समकालीन भारत सेकंड के नाम से। आगे हम लोग बात करेंगे आर्थिक विकास की समझ, आर्थिक विकास की समझ देखेंगे, यानी कि इकोनॉमी की बुक्स है आपकी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत अच्छी बुक्स है और मजा भी आएगा आपको पढ़ने में। इसे 1 से 2 बार कम से कम आप लोग भी पढ़ लें आराम से। इससे क्या होगा कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा, आगे आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी इससे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कक्षा 6वीं से कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स जो आपके लिए जरूरी है उन्हें कवर कर चुका हूँ। कक्षा 10वीं की भी 2 बुक्स कवर कर चुका हूँ। 3 बुक्स और बचती हैं कक्षा 10वीं की। और सभी इसके लेक्चरों की बात करें, अगर हम लोग कक्षा 6वीं से कक्षा पूरी 12वीं तक के आपको सभी मिलेंगे। एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची है उसी में डले रहेंगे। ठीक, मिलते हैं हम लोग आगे एक नई बुक के साथ।